गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान 7 मई को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र, दोनों की इज्जत यहां पर दांव पर, इसलिए क्योंकि थर्ड टाइम रिपीट परफॉर्मेंस नहीं, ट्राइपाइट परफॉर्मेंस कहेंगे, क्योंकि इसका कोई शब्द नहीं, इसलिए मैंने ऐसे कुछ गढ़ दिया अभी आपके सामने, लेकिन ये रिपीट से भी ऊपर है, थर्ड टाइम डन। अगर 26 की 26 सीटें जैसा कि 2014 और 19 में देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, तो ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और देखने योग्य होगा। यहाँ पर जो वोट शेयर है वो जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इतिहास रच दिया था, 26 सीटें जीती, 62.21% वोट शेयर था। कांग्रेस को सीटें नहीं मिली लेकिन 32.11% वोट शेयर था। इस बार तो कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि 30% का अपना वोट शेयर वो मेंटेन कर पाते हैं या दरअसल उससे भी नीचे गिर जाते हैं। बहुत मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि इस बार हमको ये देखना है कि 2 लाख से ज्यादा मार्जिन की सीटें कितनी आ रही गुजरात में। अब जब आप इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं और एक सीट आप पहले से जीत कर बैठे हुए हैं, क्योंकि सूरत की सीट तो जीत हो गई, कोई प्रत्याशी नहीं था सामने, तो ऐसे में तो उम्मीदें और प्रमाण चढ़ती हैं। माना जा रहा है कि जो टारगेट दिया गया है कि कम से कम 26 में से 18 सीटों पर 2 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीतना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एक छोटी यहां पर दिक्कत आई थी, समस्या राजपूत समाज यहां पर केंद्रीय मंत्री रूपाला की वजह से थोड़े नाराज चल रहे थे, लेकिन ऐसा देखने को मिला है, ऐसा भी जैसा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचते हैं मामले अपने आप सुलझ जाते हैं। 50 से ज्यादा राजपूत समाज के बड़े नेता और राज्य परिवार के लोग पहुंचे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ हैप्पी गो लक्की है। राजनीति 26 में से 26, अक्सर होता है कि बाइपोलर इलेक्शन है, मल्टीपोलर इलेक्शन है, यहाँ तो यूनिपोलर इलेक्शन है। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी आपने एक लाइन में सब कुछ कह दिया तो फिर भी चुनौतियां हैं, तमाम चीजें, चुनौतियों को सब कुछ समेट लिया गया है, क्योंकि गुजरात के तो बेटे हैं नरेंद्र मोदी, और बेटा जब वहां जाता है तो सब कुछ सही हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक सीट है जिस पर हम सबकी नजर होगी और वो है गांधीनगर सीट। इस सीट से जरा आप सोचिए, देश को 2 गृहमंत्री इस सीट से मिले हैं। लालकृष्ण आडवाणी की ये सीट एक लंबे अरसे तक रही, लालकृष्ण आडवाणी देश के गृहमंत्री रहे, अमित शाह ने 2 बार से यहाँ पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं और गृहमंत्री देश के आज हैं। अमित शाह की सीट से कांग्रेस के मुकाबले में एक आर्किटेक्ट खड़ी हैं जो कि दरअसल मुंबई का इंचार्ज हैं, लेकिन वो देख रही हैं गुजरात के मामले को भी, उन्हें टिकट दिया गया है। अब ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या क्या कहें, इसके बारे में कहना जरा अभी उचित नहीं होगा, इस पर हम 4 जून को बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सीट पर इस बार कांटे की टक्कर इस बार की है कि 2 लाख से बढ़कर और कितना बड़ा मार्जिन। ये माना जा रहा है कि गांधीनगर की सीट पर इस बार एक अप्रत्याशित मार्जिन देखने को मिलेगा, हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं।